देखिए बच्चों, ऐसा था कि हमने मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग की बात की। एसेट्स के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमने मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग द डेप्रिसिएशन की बात की थी। तो हमने पढ़े थे मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग द डेप्रिसिएशन, हमारे दो हैं, जिसके अंदर हम डेप्रिसिएशन को फर्स्ट था डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज टू एसेट अकाउंट, यानी कि हम डेप्रिसिएशन के को कहां पर दिखाते हैं, एसेट के अकाउंट में जो आप कर चुके हैं। अभी तक आपने क्या किया बच्चों, मशीनरी अकाउंट बनाते थे और उसी के अंदर डेप्रिसिएशन दिखाते थे। तो आप फर्स्ट मेथड कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड मेथड हमारा है जिसके अंदर आप डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, जिसको बोला जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन को आप सीधे सीधे एसेट्स के अकाउंट में ना लिख करके अलग अकाउंट में लिखेंगे, जिसको हम बोलेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब किस तरह से होगा ये देखिएगा। सपोज ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। यहां पर देखिए, पहले इसको हम नॉर्मल वे में देखेंगे। आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 15.11। बच्चों पेज नंबर आ जाएगा आपका 15.11, इलस्ट्रेशन नंबर 4। आप एक मशीनरी परचेज कर रहे हैं 1 लाख रुपीज की। जीएसटी है 12% 1 अक्टूबर को परचेज की है आपने। एक और मशीनरी परचेज की 60,000 की आपने। आईजीएसटी 12% पे किया, चेक से पेमेंट किया 1 अप्रैल 2020 को आपने परचेज की। डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं आप 10% पर एनम से। और बच्चों अकाउंट हमारे क्लोज होंगे एवरी ईयर 31 मार्च को। तो क्वेश्चन में क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में दो मशीनें हैं। एक आपने परचेज की है 1 अक्टूबर 2018 को, फर्स्ट मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपीज की। और दूसरी मशीन बच्चों आप परचेज कर रहे हैं 1 अप्रैल 2020 को। ये परचेज कर रहे हैं आप बच्चों 60,000 रुपीज की। जीएसटी का मशीनरी अकाउंट में कोई रोल नहीं है, तो अभी हम जीएसटी को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं देख रहे। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है यहाँ पर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। और बुक्स क्लोज होंगी आपकी 31 मार्च को। हमने अकाउंट क्लोज करने हैं 2019, 2020, 2021 को। तो हमें यहाँ पर बोला गया है मशीनरी अकाउंट बनाओ और मशीनरी को बैलेंस शीट में दिखाओ दो मेथड से। फर्स्ट है कि डेप्रिसिएशन आप कहाँ शो कर रहे हैं, एसेट्स में। सेकेंड मेथड है कि डेप्रिसिएशन को आप शो करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर। तो पहले फर्स्ट पार्ट जो आपको आता है, क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए बच्चों, हमने क्या किया यहाँ पर, मशीनरी परचेज की। कितने की परचेज की है, 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 को 1 लाख रुपीज की मशीन परचेज की। अक्टूबर टू मार्च फर्स्ट ईयर बच्चों कितने दिन यूज कर रहे हैं मशीनरी, 6 मंथ। तो डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख का 10%, 10,000, 6 मंथ का आ गया 5,000। बैलेंस कितना बचा, 1 लाख माइनस 5,000, कितना बचेगा बच्चों बैलेंस, 95,000। ये सेकेंड ईयर में आए 95,000 को लेकर के। स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो सेकेंड ईयर अगेन आपके डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर देंगे ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, यानी कि 1 लाख का 10%, 10,000। तो 95 माइनस 10 आपके पास बैलेंस बच गया 85,000। सेकेंड ईयर कंप्लीट, सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस आप लेकर के आ गए हैं बच्चों थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में आपने 2020 में 1 अप्रैल को आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ गया। और 1 अप्रैल क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि 2020 में हमने एक मशीनरी और परचेज की है 60,000 की। तो हमने परचेज और दिखा दी। तो अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे दो मशीनों का, 1 लाख का 10%, 10,000, 60,000 का 10%, 6,000, टोटल 16,000। बैलेंस कर देंगे, मशीन वन का बैलेंस था 85,000, डेप्रिसिएशन 10, कितना बच गया 75,000। सेकेंड मशीनरी थी बच्चों 60,000 की, डेप्रिसिएशन 6,000, कितना बच गया 54,000। दोनों का टोटल करके 1,29,000। कोई नई बात हुई बच्चों यहाँ पर, नहीं, ये सब आपको आता है, आपने किया हुआ है मशीनरी अकाउंट में। अब सेम क्वेश्चन को हम प्रोविजन वाले मेथड से करेंगे कि हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट के अंदर ना दिखा करके कहां पर शो करेंगे बच्चों, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ये देखिएगा, यहां पर हमने बनाया है मशीनरी अकाउंट और फिर बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए, मशीन परचेज कर रहे थे आप 2018 में अक्टूबर 1 को टू बैंक, कितने की 1 लाख की।
और आपने 31 मार्च को बैलेंस कर दिया कितना 1 लाख रुपीज, सीधा सीधा क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया है। ठीक है, डेप्रिसिएशन कहाँ गया है सर? डेप्रिसिएशन हमने कहा था कि सेकंड मेथड में हम डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में ना दिखा करके सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे जिसको नाम दिया जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हम यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं। 1 लाख का डेप्रिसिएशन बच्चों कितना था? 10%, 10,000। 6 मंथ का कितना होगा बताओ? 5,000। तो वो हम कहाँ दिखाएंगे? प्रोविजन अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन कितना? 5,000 रुपीज। ठीक है, और यही बैलेंस को आपने ईयर के एंड में दिखाएंगे। 1 अक्टूबर 18 में परचेज की थी तो डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 2019 मार्च 31 को, और इसी दिन आप क्लोज कर देंगे प्रोविजन अकाउंट को बैलेंस सीडी करके आपने लिख दिया। फर्स्ट ईयर समझ में आया बच्चों? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। क्या किया हमने? डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में ना लिख करके कहां लिखा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में। डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम है, जो 5,000 पहले था वही अभी भी है। अब क्या करें? दोनों को आप नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड करिए। सेकंड ईयर में मशीनरी आ गई 1 लाख की, इसी तरह से सेकंड ईयर का बैलेंस कितना हो गया प्रोविजन का? 5,000 का। अब सेकंड ईयर फिर से आप मशीनरी यूज कर रहे हैं कितनी? 1 लाख की बच्चों। यहाँ तो आप होल ईयर पूरे साल मशीनरी यूज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा पूरे साल का? 1 लाख रुपए का 10% पूरा कितना जाएगा? 10,000 रुपीज। टोटल कर दिया आपने 15,000, और इसको आपने बैलेंस रीडी करके दिखा दिया। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए मैं लिख करके खुद करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या अकाउंट बना रहे हैं हम? यहाँ पर मशीनरी अकाउंट, और एक बनाएंगे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट जब आप बनाएंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट इन रुपीज, इसी तरह से बच्चों यहां पर बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, मशीनरी में क्या दिखाएंगे? सिर्फ परचेजेस दिखाएंगे। मशीनरी परचेज कब की? 2018 अक्टूबर 1। क्या लिखेंगे? टू बैंक। बच्चों कितने की थी मशीनरी? नंबर 1 कितने की परचेज की थी हमने? मशीनरी परचेज की थी 1 लाख की। ये आ गया। डेप्रिसिएशन यहां पर ना दिखा करके कहां दिखाओगे? प्रोविजन के अकाउंट में। 2018 को, 2018 में परचेज की थी तो डेप्रिसिएशन लगेगा 2019 में मार्च 31 को। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। बच्चों कितने दिन यूज कर रहे हैं? अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? सर सिटेड सर, हाँ जी, डेप्रिसिएशन हो जाएगा कितना बच्चा आपको? 1 लाख का 10% 6 मंथ का 5,000। अब आप दोनों अकाउंट को क्लोज करिए, मशीनरी को भी क्लोज करिए और प्रोविजन को भी। किस तरह से क्लोज करेंगे बच्चों बताओ? 2019 में मार्च 31 को क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस सीडी 1 लाख रुपीज। दोनों अकाउंट साथ में चलेंगे। देखो फर्स्ट ईयर मैंने मशीनरी का बनाया और फर्स्ट ईयर मैंने प्रोविजन को भी क्लोज कर दिया, दोनों साथ में चल रहे। मार्च 31 को टू बैलेंस सीडी 5,000। फर्स्ट ईयर का मशीनरी का भी अकाउंट क्लोज हो गया और प्रोविजन का भी। यहां पर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलिए। समझ में आ गया है? फर्स्ट ईयर मशीनरी हमने परचेज की, क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया, डेप्रिसिएशन दिखाया नहीं। डेप्रिसिएशन को कहां शो किया? प्रोविजन के क्रेडिट। हाँ जी बोलिए। तो सर इसमें हम लोग को पहले जो मशीनरी अकाउंट है मतलब नॉर्मली करना है, फिर उधर जो डेप्रिसिएशन होगा वो यहां पे होगा। हाँ, प्रोविजन डेप्रिसिएशन को प्रोविजन के अकाउंट में दिखाना है और दोनों को साथ साथ बनाना है। एक ईयर का मशीनरी, एक ईयर का डेप्रिसिएशन, सेकंड ईयर का मशीनरी, सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर का मशीनरी, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए अब हम आ गए मशीनरी अकाउंट में। 2019 अप्रैल 1 क्या कर रहे हैं?
टू बैलेंस बीडी, कितनी मशीनरी आई है 1 लाख के ऊपर से इधर से आगे ट्रांसफर होकर के। अब ये ईयर क्लोज कब होगा 2020 मार्च 31 को, क्या लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी 1 लाख, क्लोज कर दिया 1 लाख रुपीज, और ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका 2020 में अप्रैल 1 का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 1 लाख रुपीज। तो हमने अब एक ईयर का और क्लोज कर दिया मशीनरी, तो आ जाओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पर। ओपनिंग बैलेंस किधर लिखा जाए बच्चों बताओ तो जरा मुझे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखा जाएगा क्रेडिट में, सेकेंड ईयर का क्लोज किया था आपने credit. हाँ क्लोज किया था बिल्कुल ठीक, क्लोज किया था हमने डेबिट साइड में, तो ओपन करेंगे क्रेडिट साइड से 2020 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी कितना है 5000। अब बच्चों ये बताओ सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, सेकेंड ईयर आप कितनी मशीनरी यूज कर रहे हैं 1 लाख, और पूरे साल यूज कर रहे हैं अप्रैल टू मार्च, हाँ जी सर कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 1 लाख का 10% 10,000 लगेगा। लगेगा कब प्रोविजन वाले अकाउंट में ये बताइए मुझे, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा 19 में तो ओपनिंग बैलेंस आया था यहाँ पर, 19 में ओपनिंग बैलेंस आया था, और ये एंड हो जाएगा 2020 में मार्च 31 को, क्या लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन कितना 10,000। ठीक है क्लोज कर देते हैं सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का जब आप क्लोज करने जाएंगे तो टोटल हो गया 15,000, और ये हमारा बन जाएगा बच्चों 2020 में मार्च 31 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 15,000। अब ये सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस अप्रैल 1 को, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी कितना बच्चों 15,000। ठीक है दो इयर्स की मशीनरी तैयार, दो इयर्स का डेप्रिसिएशन तैयार। अब थर्ड ईयर आइए, थर्ड ईयर में मशीनरी में बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमने एक मशीनरी और परचेज कर लिया थर्ड ईयर में 1 अप्रैल को 60,000 की। यहां पर हम 1 अप्रैल 2020 में परचेज कर रहे हैं एक मशीनरी और 60,000 की, ये हो गई मशीनरी नंबर 1। तो क्या करें बच्चों यहां पर 2021 में मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे, डेप्रिसिएशन बच्चों यहां पर ठीक कर रहा हूं मैं, नो सर डेप्रिसिएशन यहां पर नहीं लिखेंगे बिल्कुल, यहां पर क्या करना है फिर बस क्लोज कर देना है बैलेंस सीडी कर देना है, कितना आ जाएगा 1,60,000, ये आ गया बच्चों 1,60,000 यहां पर, ये आपने कर दिया क्लोज थर्ड ईयर में मशीनरी को। अब थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा इन मशीनों का बता सकते हैं बच्चों, थर्ड ईयर में कितनी मशीन यूज कर रहे हैं आप 1 लाख की और 60,000 की, तो डेप्रिसिएशन लगेगा 2021 में मार्च 31 को क्या लगेगा डेप्रिसिएशन बताओ तो बच्चों बाय डेप्रिसिएशन, दो मशीनें हैं 1 लाख की थी 10% 10,000, मशीनरी 2 60,000 की थी 10% 6,000, टोटल हो गया 16,000, टोटल को आपने क्लोज कर देना है यहाँ पर 31,000 लिख दीजिएगा 31,000, ये हो जाएगा आपका बैलेंस सीडी। ठीक है और ये बैलेंस सीडी होगा 2021 में मार्च 31 को, मशीनरी भी क्लोज प्रोविजन भी क्लोज, इसको ओपनिंग बैलेंस करके दिखा सकते हैं आप नेक्स्ट ईयर में 2021 कि अप्रैल 1 का बैलेंस हो गया बाय बैलेंस बीडी 31,000, और इधर मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2021 में अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,60,000। ठीक है जल्दी से करेंगे बच्चों इसको। तो ये हमने देखा बच्चों प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट परचेज करते हुए, अभी हम प्रोविजन बनाएंगे सेल करते टाइम। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 है आपके सामने, क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए इसको एक बार क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है बच्चों कि हमने एक मशीनरी परचेज की है 2 लाख रुपीज की 1 अप्रैल 2018 में, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 10% ऑफ कॉस्ट, 1 अक्टूबर 2020 में आपने इस मशीनरी को सेल कर दिया है 1,20,000 रुपीज में,
और आपको अकाउंट बनाना है 2019, 20 और 21 का। अब ये सेल वाले पार्ट का क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मेथड से। क्वेश्चन की समरी बनाते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला हमें, क्वेश्चन ने हमसे बोला कि 1 अप्रैल 2018 को हमने मशीनरी परचेज की है एक फॉर रुपीज 2 लाख एंड द सेम मशीनरी, यही वाली मशीनरी आपने 1 अक्टूबर 2020 को सेल कर दी है कितने में, 1,20,000 रुपीज में। डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट, और हमारी बुक्स क्लोज होंगी यहाँ पर 31 मार्च को। एवरी ईयर हमने अकाउंट बनाना है 2019, 2020 और 2021 का, लेकिन हम इस क्वेश्चन को करेंगे प्रोविजन वाले मेथड से। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया, और अब सेम क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं प्रोविजन वाले मेथड से। इसमें दो अकाउंट बनेंगे बच्चों, क्या क्या बनेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, ये मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। क्रेडिट और डेबिट, डेट पर्टिकुलर, अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट इन रुपीज। दूसरा साथ में हम अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। बच्चों बनाना शुरू करो आप भी फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर, अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट इन रुपीज। अब परचेज कर रहे हैं हम मशीनरी 2018 में, तो बच्चों परचेज किधर दिखाएंगे, 2018 में दिखाएंगे आप, अप्रैल 1 को परचेज कर रहे हैं, परचेज करेंगे तो आप लिखेंगे टू बैंक मशीनरी नंबर वन, एक ही मशीनरी है और वैल्यू है 2 लाख रुपीज की। ईयर एंड होगा बच्चों 2019 मार्च 31 को, क्या लिख देंगे, बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चों, डेप्रिसिएशन दिखाना है मशीनरी के अंदर, क्या मैं सही कर रहा हूँ बताते चलना मुझे। डेप्रिसिएशन नहीं आएगा यहाँ पर, डेप्रिसिएशन कहा जाएगा डेप्रिसिएशन प्रोविजन में, तो बैलेंस सीडी कर देंगे डायरेक्टली कितना, 2 लाख रुपीज। फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया, मशीनरी में हमने कुछ नहीं किया, परचेज करके क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। अब इसका डेप्रिसिएशन किधर आएगा, प्रोविजन वाले अकाउंट में आएगा। कितना लग रहा है बच्चों, 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो किधर आएगा, डेबिट में लिखते हैं बच्चों। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में, प्रोविजन लायबिलिटी साइड का आइटम है, तो जब भी ये इंक्रीज होगा इसके अंदर डेप्रिसिएशन आएगा तो ये इंक्रीज होगा, तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। कब लगेगा डेप्रिसिएशन, ईयर के एंड में 2019 मार्च 31 को, डेट पर ध्यान देना कब लगेगा डेप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। कितना लिखेंगे, 2 लाख का 10% 20,000, और कुछ नहीं करना, क्या करो इसी दिन इसको क्लोज कर दो, मार्च 31 में क्लोज कर दो, लिख दो बच्चों टू बैलेंस सीडी 20,000। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, बहुत सिंपल सा पार्ट है, मशीनरी परचेज किया मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड में और क्लोज कर दिया, इसका डेप्रिसिएशन 20,000 प्रोविजन में लिखा क्रेडिट साइड में और क्लोज कर दिया। अब आगे फॉरवर्ड कर देते हैं इसको, 2019 में अप्रैल 1 को आप लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है बच्चों, 20,000 रुपीज। और मशीनरी अकाउंट में आप आइए, ये जो मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस था 2019 में, लिख देंगे अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है बच्चों, यहाँ पर ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज। क्या हमने कुछ किया 19 से 20 के बीच में, हमने मशीनरी को कब सेल किया था बच्चों, मशीनरी को हमने सेल किया है 1 अक्टूबर 2020 यानी कि नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये ईयर तो क्लोज होगा हमारा 2020 में, लेकिन मार्च 31 को क्या लिखेंगे क्लोज करने के लिए, बैलेंस सीडी कितना बच्चों, 2 लाख
सेकेंड ईयर ये भी क्लोज कर दिया हमने, यहां पर ये आ गया। अब थर्ड ईयर में 2020 अप्रैल 1 में आप इस मशीनरी को आगे ले आएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीस की। आओ बच्चों सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब सेकेंड ईयर एंड होगा 2020 मार्च 31 को क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों, डेप्रिसिएशन है 10% 20,000। ईयर क्लोज कर दिया तो ये आ गया 40,000। 2020 में मार्च 31 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हो गया, 40,000। ठीक है, 2 इयर्स कंप्लीट आपके मशीनरी क्लोज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्लोज। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले उसको क्लियर करेंगे फिर हम आगे जाएंगे। बताओ बच्चों है क्या कोई डाउट, नहीं है तो आगे चल रहे। 2020 अप्रैल 1 में हम आगे लेकर के आ गए बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीनरी के, ये था सीडी क्लोजिंग बैलेंस को, यहां पर हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया 40,000। अब ये मशीन कब सेल कर रहे हो बच्चों ये बताओ, डेट देख करके क्या डेट को सेल कर रहे हैं, 1 अक्टूबर को। तो बिफोर सेलिंग दैट मशीनरी हम इस मशीन को कितने दिन यूज कर रहे हैं इस ईयर में, अप्रैल टू अक्टूबर, तो डेप्रिसिएशन कितने दिन का लगाओगे, 2 लाख का 10% 6 मंथ्स का बच्चों कितना आ गया, 10,000। बात समझ में आई, क्योंकि थर्ड ईयर में आप 2 लाख वाली मशीनरी को सेल कर रहे हैं 1 अक्टूबर में, तो 2 लाख वाली मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अक्टूबर को, कितने दिन का लगेगा, अप्रैल टू अक्टूबर लगेगा, अप्रैल टू अक्टूबर 6 मंथ्स हो गया, 2 लाख का 10% 20,000, 6 महीने का 10,000 रुपए। क्लोज कर दें, मशीनरी खत्म 50,000, मशीनरी खत्म यहां पर। अब जब बच्चों सुनो, मशीनरी खत्म हो गई तो क्या उसका डेप्रिसिएशन बना रहेगा इस अकाउंट में या उसे भी खत्म कर दें हम, क्या कहते हो बच्चों बताओ, जब मशीनरी ही खत्म हो जाएगी तो उसका डेप्रिसिएशन क्या बना रहेगा या क्लोज करना पड़ेगा प्रोविजन क्या, क्लोज करना पड़ेगा। कैसे क्लोज करेंगे भाई, क्रिएट तो होता था क्रेडिट साइड में, तो क्लोज किधर होगा, डेबिट साइड में, कहां पर भेज करके खत्म किया जाएगा। तो जो मशीनरी आप सेल करते हैं उसका डेप्रिसिएशन आप मशीनरी अकाउंट में भेज देते हैं। जो मशीनरी सेल की उसका आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है बताओ, फर्स्ट ईयर का 20,000, सेकंड ईयर का 20,000, थर्ड ईयर का 50,000। तो जो मशीनरी आप सेल कर रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन है 50,000, जिसको आप कहां ट्रांसफर कर देंगे, मशीनरी के अकाउंट में। ये क्लियर हो गया, याद रखिएगा जब अकाउंट, जब मशीनरी सेल करेंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से जो मशीनरी आप सेल कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, डेबिट साइड में डाल करके कहां ट्रांसफर किया जाएगा, मशीनरी अकाउंट में। अब आइए बच्चों सेल का प्रोसीजर किधर दिखाते हैं, डेबिट में या क्रेडिट में, मशीनरी अकाउंट के अंदर सेल करने का प्रोसीजर दिखाया जाएगा क्रेडिट साइड में। अक्टूबर 1 को क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन कितना था इसके ऊपर, कहां से आया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से अमाउंट ट्रांसफर होकर के आया था मशीनरी अकाउंट में, ये लिखा है आपने इसको मशीनरी में ट्रांसफर कर दिया था तो मशीनरी में आ गया ये 50,000। कहां से आया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। बच्चों क्वेश्चन में सेल कितने की बता रहे हैं आप, 1 अक्टूबर को सेल हो रही है 1,20,000 की। अब कोई बच्चा मुझे यहां से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, कौन बच्चा बताएगा, मशीनरी कितने की थी टोटल, 2 लाख की। बच्चों उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 50,000। तो जो मशीनरी आप सेल कर रहे हैं उसके रिटन डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी है, 2 लाख माइनस 50,000, कितनी बुक वैल्यू बची, 1,50,000। और जिसको आपने सेल किया 1,20,000 में, तो क्या हुआ, सर लॉस है 30,000, लॉस हो गया 30,000 का लॉस। बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके आप डाल देंगे लॉस ऑन सेल। तो बच्चों यहां पर आपने सेल करते समय ध्यान देना है 2 बातों पर, कि जो मशीनरी आप सेल कर रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन उठा करके ट्रांसफर कर दोगे मशीनरी अकाउंट में, ठीक है, डेबिट में क्यों, क्योंकि अकाउंट खत्म कर रहे हैं तो डेबिट में होगा। और मशीनरी के अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन आपने प्रोविजन से ट्रांसफर किया था मशीनरी में, वो मशीनरी के क्रेडिट में आ जाएगा। फिर आप सेल को क्रेडिट में लिखते ही हैं। गेन और लॉस फाइंड करने के लिए कंपेयर करेंगे बुक वैल्यू को, पहले बुक वैल्यू फाइंड करो। बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, बुक वैल्यू निकलेगी कॉस्ट थी 2 लाख, हाँ जी थी, डेप्रिसिएशन था बच्चों कितना,
50,000 टोटल मशीनरी का, ठीक है। बुक वैल्यू कितनी हो गई मशीन जो सेल करने जा रहे हैं, 1,50,000 की। सेल कितने में कर दी बच्चों मशीनरी, 1,20,000 में। गेन कितने का हो गया बच्चों, बोलो सर, गेन नहीं हुआ, लॉस हुआ, कितने का हुआ, रुपीज 30,000 का, क्योंकि 150 की मशीनरी आप सेल कर रहे हैं 120 में। जल्दी से इसको भी कंप्लीट करो। नेक्स्ट टू बी डन इज बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 10, जो हमें करना है अभी वो इलस्ट्रेशन 10 करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट कैसे है, क्वेश्चन पढ़िए। आपके पास बैलेंसेस पहले से दिए गए हैं, मशीनरी का बैलेंस अलग है और प्रोविजन का बैलेंस अलग से दिया गया है, ठीक है। किस डेट के बैलेंसेज है, 1 अप्रैल 2020 के बैलेंसेज है। चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। हमने क्या किया, 1 जुलाई 2020 को एक मशीनरी जो हमने परचेज की थी 2017 में, कब परचेज की थी, 1 अप्रैल 2017 में जो परचेज की थी, कितने की, 1,20,000 की, इसको आप सेल कर रहे हैं यहां पर, कितने में सेल कर रहे हैं, 50,000 में, साथ में जीएसटी भी है। जीएसटी का तो आपको पता है हम कुछ करते नहीं यहां पर। नेक्स्ट, एंड ऑन द सेम डेट यानी कि 1 जुलाई 2020 को ही आपने एक और परचेज कर ली है, कितने में, 32,000 में। फर्म चार्ज कर रही है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट, और बुक्स क्लोज करनी है हमने 31 मार्च को। आपने यहां पर सिर्फ एक ही ईयर का मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है जो कि 2021 के लिए है। बच्चों क्वेश्चन कुछ अलग सा लग रहा है, पहले क्या होता था कि आप परचेज करके लेकर के जाते थे मशीनरी को, यहां पर आपके पास पहले से ही बैलेंस दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप सीधा सीधा यहां पर थर्ड ईयर का अकाउंट बना रहे हैं। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, सिर्फ थर्ड ईयर का। मशीनरी का ये वाला बैलेंस दिया गया है और प्रोविजन का भी सिर्फ आपको थर्ड ईयर का अकाउंट बनाना है, सपोज ये वाला, और यहां पर भी आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया गया है। बात समझ गए बच्चों, तो सिर्फ लास्ट ईयर का बनाना है यहां पर। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं अकाउंट। मशीनरी का बैलेंस 8 लाख, प्रोविजन का बैलेंस 3,10,000। मशीनरी अकाउंट डेट पर्टिकुलर और अमाउंट आ गया, डेट पर्टिकुलर और बच्चों अमाउंट आ गया। मशीनरी का कितना बैलेंस है आपके पास में, 2020 को अप्रैल 1 का बैलेंस आपके पास दिया गया बच्चों, पढ़ के बताओ कितना है, 2 बैलेंस BD। कितना है मशीनरी का बैलेंस, 8 लाख रुपीज, शुरू करके छोड़ दिया हमने, ठीक है। अब साथ में बनाएंगे हम किसका अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट इन रुपीज। प्रोविजन का बैलेंस कितना था बच्चों अप्रैल 1 में, किधर लिखेंगे प्रोविजन का बैलेंस, डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस दिया गया क्वेश्चन में, 3,10,000। यहां तक क्वेश्चन में हमने लिख दिया, क्वेश्चन में यही दिया हुआ था ना बच्चों हमें कि मशीनरी का बैलेंस है हमारे पास, ये लिखा हुआ है 8 लाख रुपीज मशीनरी का बैलेंस है, 8 लाख रुपीज मशीनरी का बैलेंस है, प्रोविजन का बैलेंस है आपके पास 3,10,000। इसको हमने पुट कर दिया मशीनरी के अकाउंट में और बच्चों पुट कर दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। अब क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि आप इसमें से एक मशीनरी को सेल कर रहे हैं, जो मशीनरी आप सेल करने जा रहे हैं बच्चों उसके लिए वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी,
क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो मशीनरी आप सेल कर रहे हो परचेज कब की थी आपने? 1 अप्रैल बताओ 2017 को परचेज की थी। कितने में परचेज की थी? परचेज की थी 1,20,000 में। बच्चों ये बताइए आपने कितने दिन यूज किए मशीनरी? डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का कितना लगेगा? 15%। कितना बच्चों? 18,000 लगेगा। आपके पास बैलेंस कब का बचा? 1 अप्रैल 2018 का बचा। कितना बचेगा बैलेंस? 1,02,000। फिर से बच्चों आपने डेप्रिसिएशन लगाया नेक्स्ट ईयर का एट द रेट ऑफ 15%। स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो अगेन ओरिजिनल कॉस्ट का ही लगेगा 15%। अब आपके पास बैलेंस कितना बचेगा बच्चों? 84,000। ये बैलेंस बचा हमारे पास 1 अप्रैल 2019 का। अब बच्चों नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर फिर से आपने डेप्रिसिएशन लगाया 15%। कितना लगेगा? ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट का ही 15% लगेगा थर्ड ईयर। अब आपके पास बच्चों मशीनरी की वैल्यू कब की आ गई है बताओ? मशीनरी की वैल्यू आ गई है आपके पास 66,000। और ये वैल्यू कब की है? ये वैल्यू है 1 अप्रैल 2020 की। बच्चों मशीन सेल कब कर रहे हैं? किस डेट को सेल कर रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से? 1 जुलाई को। तो आपने अभी डेप्रिसिएशन और लगाना पड़ेगा इसके ऊपर 15%। कब तक का? 1 जुलाई तक का। बच्चों अप्रैल टू जुलाई कितना मंथ्स होते हैं? 3 मंथ्स। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा बताइए? 1,20,000 का 15% इंटू 3/12 ये निकल करके आ गया बच्चों 4,500। तो मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी बची? 61,500। किस डेट को? 1 जुलाई को। जो मशीनरी आप सेल करने वाले हैं उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 61,500। ठीक है। और सेल कितने में कर रहे हो? क्वेश्चन में क्या लिखा है? सेल हम किस प्राइस पर कर रहे हैं? क्वेश्चन में सेल हम कर रहे हैं बच्चों इसको 50,000 में। बताओ गेन हुआ या लॉस हुआ? क्या हुआ बच्चों? लॉस। कितने का? 11,500। किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पर तो मैं वापस समझा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक मशीनरी जो हमने परचेज की थी 1 अप्रैल 2017 को 1,20,000 की, वो हम सेल कर रहे हैं 1 जुलाई 2020 को। तो पहले आपको इस मशीनरी को जो 17 में परचेज की थी डेप्रिसिएशन लगाते 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 पहुंचना पड़ेगा जिस दिन सेल कर रहे हैं। जिस दिन सेल कर रहे हैं उस दिन इसकी बुक वैल्यू आ गई है 61,500। सेल किया 50,000 में तो लॉस हुआ 11,500 का। ठीक है। अब जब तक ये नहीं बनेगा बच्चों, ये वर्किंग नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं बनाते तो आप अकाउंट नहीं बना पाओगे। कैसे? जब आप प्रोविजन बनाओगे तो बच्चों प्रोविजन में पहले क्या लगेगा? जुलाई में मशीन सेल करने से पहले डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं? कितने दिन का डेप्रिसिएशन लगाया था? 3 मंथ्स का। कितना था 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन बच्चों? 4,500। कितना डेप्रिसिएशन था? 4,500। ठीक है। और मैंने कहा था कि जब आप मशीनरी सेल करते हैं तो जो मशीनरी आप सेल कर रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन, जो मशीनरी आप सेल कर रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन, फिर से बोल रहा हूं, जो मशीनरी आप सेल कर रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन उठा करके प्रोविजन से कहां भेज देते हैं? मशीनरी के अकाउंट में। कितना है जो मशीनरी आप सेल कर रहे हैं? ये वाली मशीन सेल कर रहे हैं 120 की, उसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? फर्स्ट ईयर का 18,000, सेकंड ईयर का 18,000, थर्ड ईयर का 18,000, फोर्थ ईयर का 4,500। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया बच्चों? 58,500। कहां भेज दोगे 58,500? जो मशीनरी सेल कर रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन उठा करके कहां भेजते हैं? जुलाई में 2020 को भेज दिया मशीनरी अकाउंट में 58,500। अब मशीनरी में 2020 में जुलाई 1 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 58,500 है। ठीक है। सेल कितने में कर रहे हैं बताओ? सेल भी क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, मशीनरी के अंदर सेल कर रहे हैं 50,000 में। लॉस भी आप क्रेडिट में दिखाएंगे बच्चों, बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 11,500। ठीक है। ये कहां से आई सारी चीजें? 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी की सारी इस वर्किंग से आई हैं।
एक बार फिर से बता दूं, जो मशीनरी आप सेल कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन 4500 ये रहा, जो मशीनरी आपने सेल की उसका टोटल डेप्रिसिएशन जिस दिन से खरीदी थी जिस दिन तक बेची, टोटल डेप्रिसिएशन 58500 आपने प्रोविजन से उठा के ट्रांसफर कर दिया मशीनरी में, सेल क्रेडिट में लिखते हैं मशीनरी के, और लॉस को भी क्रेडिट में लिख देंगे मशीनरी के, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपने जुलाई फर्स्ट में, क्वेश्चन के हिसाब से आपने बच्चों जुलाई वन में एक मशीनरी और परचेज की है, कितने की, 32,000 की, टू बैंक मशीनरी नंबर टू परचेज की है 32,000 की। क्लोज कर दो इस मशीनरी को 2021 में, आप इसे क्लोज कर देंगे मार्च 31 को बाय बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस बचेगा 8,32,000 से ये सब माइनस कर दिया तो 6,32,000 बैलेंस बच गया, माइनस करके बैलेंस कर दिया है। अच्छा प्रोविजन में बच्चों आप मेरी हेल्प करो, 2021 को मार्च 31 में जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए मेरे पास अब कितनी मशीनें हैं, दो हैं, बताओ अदीना बेटा बोलो मशीन वन कितने की थी, बस मेरे सवाल का जवाब देते जाओ, टोटल मशीनरी की वैल्यू कितने की थी, 8,00,000 रुपीज थी ना, उसमें से हमने कितने वाली पार्ट सेल कर दिया बच्चों बताओ, जो पार्ट आपने सेल किया उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों बताओ, मशीनरी टोटल कितने की थी 8,00,000 की, जो मशीनरी आपने सेल की उसकी टोटल वैल्यू कितनी है 1,20,000, तो बैलेंस कितने की बचेगी, 8,00,000 की मशीनरी होती थी 120 की आपने सेल कर दी तो बैलेंस कितने का बचेगा 6,80,000 का। अब बताओ स्ट्रेट लाइन मेथड में आप डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगाओगे, फर्स्ट मशीनरी में से 8,00,000 के ऊपर, 1,20,000 के ऊपर या 6,80,000 के ऊपर, 6,80,000, कारण क्योंकि जो बचा है बैलेंस उसके ऊपर लगेगा, तो 6,80,000 का 15% आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन है मशीनरी वन का थर्ड ईयर में, कितना हो गया बच्चों ये हो गया 15%, 15,300 रुपए, ठीक है 15,300 रुपीज ये हम यहाँ पर ले आए, मशीन वन का डेप्रिसिएशन 15,300, कैसे मशीनरी टोटल 8,00,000 की थी उसमें से 1,20,000 की सेल कर दी तो जो मशीनरी बच गई 6,80,000 की उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया। अच्छा मशीन टू एक और परचेज की थी आपने, कितने की परचेज की थी 32,000 की, बच्चों इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 32,000 का 15%, जुलाई में परचेज की है तो जुलाई टू मार्च 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन बच्चों कितना आ गया 32,000 का 15% जुलाई टू मार्च, ये आ गया आपका 1,200 रुपीज, कितना आ गया बच्चों 1,200 रुपीज, ये लीजिए अब बस खत्म कर दो, 32,000 का 15% इंटू 9/12 गड़बड़ा रहा है, 3,600 आएगा ये 3,600, ये अकाउंट तो आपका पहले ही क्लोज हो गया था, अब प्रोविजन को भी क्लोज कर दो, 2021 में मार्च 31 को आपके पास में जो बैलेंस बचेगा वो माइनस करके निकाल दो बैलेंस सीडी, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड है 3,10,000 प्लस 4,500 प्लस 15,300 प्लस 3,600, 3,33,400 से माइनस कर देंगे डेबिट साइड का 58,500 तो हमारे पास बैलेंस बच गया 2,74,900। जल्दी से कर लो बच्चों अब इसको, इसके अंदर वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना नहीं हो पाता, जल्दी से करिए।